नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स मैटिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वन ऑडियो 10 इस स्टूडियो हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो एडिटिंग में हो या आपके वर्क फ्लो में इस तरह से आपको साउंड की रिप्रोडक्शन लगती है कि जिसमें आपको हर चीज़ काफ़ी क्लियरली स्टूडियो क्वालिटी सुनाई दे, तो ये एक बजट ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। स्टूडियो हेडसेट्स की अगर आप जनरली बात करें तो ये काफ़ी हाई रेंज में मिलते हैं, जनरली 15,000 प्लस ही। ये पर्टिकुलर हेडफोन जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ 2,000 रुपये के आसपास आसानी से अमेजोन पे मिल जाएगा। लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये बजट हेडफोन्स एक्सेप्टेबल क्वालिटी देते हैं या नहीं। तो ये पर्टिकुलर हेडफोन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्लैक कलर में है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट कलर्स भी मिलते हैं। इस तरह से अगर आप बॉक्स खोले तो काफ़ी अच्छी कैरी केस में ये हमारे हेडफोन्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे वन ऑडियो की ब्रांडिंग की गई है। अगर हम बॉक्स में और देखें हमें क्या मिलता है, तो इस तरह से ये मैनुअल है और ये हमें एक सेपरेट पैकेज मिलता है जिसमें कि अलग अलग केबल्स दी गई है। तो ये ना सिर्फ स्टूडियो लेकिन डीजेइंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। दो केबल मिलती है, एक जिससे कि हम हमारे पीसी को या कॉम्बिनेशन जैक को 3.5 mm पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, और दूसरी जिससे कि हम एम्पलीफायर्स को भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। और ये जो एम्पलीफायर वाली केबल है, ये इस तरह से फ्लेक्सिबली वाउंड भी की गई है। तो ये रेड कलर में है और ये ब्लैक कलर में है, ताकि आप दोनों ही यूज केसेस में इसे इस्तेमाल कर पाए। और जो हमारी 3.5 mm कॉम्बिनेशन कनेक्टर के साथ जो केबल दी गई है, उसे यहाँ पे माइक्रोफोन भी है और उसी के साथ यहाँ पे बटन भी दिया गया है। हमारा पैकेज खोले तो इस तरह से ये हमारा हेडसेट है और ये काफ़ी आसानी से इस तरह फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे ये लेदर जैसा टेक्सचर दिया गया है जो हमारे कुशंस को कवर करता है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो ये 20-40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज सपोर्ट करता है। इसके 50 mm के ड्राइवर्स हैं और अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो 32 ohms की है और सेंसिटिविटी ये 110 dB की है और 30 mW की इसकी पावर रेटिंग है। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पे इस तरह से बैंड की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर भी पूरी लेदर की फिनिश दी गई है, उसी के साथ सेम फिनिश में ये हमारा हेडबैंड भी दिया है। दोस्तों, तो आप अगर चाहे तो ये 6.35 mm जैक को यहाँ पे लगा के सिर्फ 3.5 mm का आउटपुट ले सकते हो विदाउट माइक्रोफोन, या अगर आप डायरेक्टली एम्पलीफायर से कनेक्ट करना चाहते हो तो इधर आप 3.5 mm पे कनेक्ट करके इसे एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सकते हैं, या इसी हेडफोन में आप चाहे तो इसे यहाँ पे कनेक्ट करके आपके पीसी या मोबाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वर्सिटैलिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे पिछली साइड हमारे ड्राइवर्स के इस तरह से फिनिश दी गई है जो काफ़ी अच्छी दिखती है। इस तरह से हमारे हेडफोन्स 90 डिग्री में मुड़ते भी हैं। तो अगर हम फिट की बात करें, आप इसे फिट कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छी तरह से आपके कानों के ऊपर फिट होता है। ओवरऑल काफ़ी कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस आपको देते हैं। अगर वारंटी की बात करें तो हमें इसके साथ 1 साल की वारंटी मिलती है। तो ये हेडफोन में आप ऐसी कई बातें सुन सकते हैं वो जनरली नॉर्मल हेडफोन में आपको सुनाई नहीं देगी। तो जहाँ तक एडिटिंग की बात आती है या स्टूडियो रिलेटेड वर्क की बात आती है, ये हेडफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। उसी के साथ इसकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी बैलेंस्ड है और ओवरऑल मैं साउंड क्वालिटी कहूँगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपके वीडियो एडिटिंग या साउंड रिलेटेड कामों के लिए। इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत लाउड है। एटलीस्ट मेरा ये जो गेमिंग लैपटॉप है एसुस का ROG Strix, इसमें एक हाई एंड ऑडियो डैक भी है, मुझे आवाज़ बहुत लाउड सुनाई दे रही थी। 60% पे आवाज़ रखने के बाद भी मेरे सारे कामों में और सारे टेस्टिंग में मैं आसानी से हर छोटी चेंजेस को सुन पा रहा था। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये एक काफ़ी अच्छी डील है। हाँ, इसकी जो प्राइसिंग है वो उसकी बिल्ड क्वालिटी में दिखाई देती है। बिल्ड क्वालिटी भले ही अच्छी है,
लेकिन मैं कहूँगा इससे काफ़ी अच्छी हो सकती थी। ये दिखने में काफ़ी फंकी दिखते हैं, लेकिन जो स्टर्डी फीलिंग आनी चाहिए वो इसमें नहीं आती है। बट स्टिल ये स्टूडियो में यूज़ होने हैं तो हम इसे संभल के यूज़ कर ही सकते हैं। और एक जो चीज़ हमारे काफ़ी काम की है कि ये इस तरह से फोल्ड होके काफ़ी छोटे कॉम्पैक्ट साइज़ में आ जाते हैं, तो हम इसे इजीली हमारे साथ कैरी भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप अभी अभी आपका चैनल शुरू कर रहे हो या आप किसी भी प्रोफेशन के अभी स्टार्टिंग फेज में ही हो, तो ये हेडफोन्स आपके लिए मोर देन एडिक्वेट है। ये आपके 95% तक का सारा काम कर ही देंगे जो एक्सपेंसिव हेडफोन्स करेंगे। तो आप इनमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करके आपके पैसे बचा सकते हैं और वो कहीं और किसी दूसरी चीज में लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।